फॉर ऑल टाइम ऑलवेज। और बहुत सारे कंक्लूजन के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। एवरीवन व्हाट्सअप, इट्स मी विशाल एंड यू आर वाचिंग नबील वर्ल्ड। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। यार क्या जिंदगी हो गई है। जुमे वाले दिन सुबह सुबह उठना पड़ता है हमें सिर्फ किस चीज के लिए, लोकी को देखने के लिए। और एक्साइटमेंट तो इस लेवल पे थी कि क्या बोलूं, रात सारी जागा और पे ऑफ मिला है भाई। आज का एपिसोड तो ऐसे लग रहा था फिनाले एपिसोड है। क्या फिनाले एपिसोड ही तो नहीं है कहीं ये भाई, मजा आ गया। बहुत सारी चीजें कंक्लूड की गई है बस सिवाय उस पाए के अलावा। उस पाए में ऐसा क्या है कि लोग ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन रूम तक पहुंच जाते हैं, उसके बारे में जानना पड़ेगा। वो हमें आई गेस एक दो एपिसोड तक पता चल ही जाएगा, क्योंकि पीछे रह ही दो एपिसोड गए हैं। लेकिन अभी पहले हम पूरा एपिसोड ब्रेक डाउन करते हैं कि हुआ क्या क्या है, विक्टर टाइमली के साथ क्या हो गया यार। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एपिसोड वहीं पे शुरू होता है जहां पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, एपिसोड 3 लिटरली जहां पे खत्म हुआ ना। रमोना रेंसलेयर मिस मिनट को वो बताती है उसका सीक्रेट क्या है, जो कि हमने डीकोड कर ही लिया था कि वो बताएगी कि कैसे पूरे टीवीआई की मेमोरी वाइप कर दी थी वो ही रिमेन्स ने। और वहीं से एपिसोड शुरू होता है। कट टू विक्टर टाइमली पहुंच चुका है टीवीए में, वहां वो घूम रहा होता है। पीछे से लोकी भी आ जाता है, सेल्वी भी आ जाती है, सब आ जाते हैं और वो जाके मिलता है ओरोबोरस से। और क्या यार फैन मूवमेंट था, मजा आ गया। ओरोबोरस कहता है कि मैंने सारी अपनी रिसर्च विक्टर टाइमली के बेस पे की है यार। लेकिन अगर विक्टर टाइमली, एक मिनट रुको, सीक्रेट टाइमलाइन में विक्टर टाइमली ने से मोमबत्तियां बनाते बनाते मर जाना था मुझे लगता है। लेकिन जब वो ब्रांच टाइमलाइन बनी, फिर उसको वो जब टीवीए की गाइड मिली तो उससे ये शुरू हुआ। तो ब्रांच टाइमलाइन से उठाई गई है ये टीवीए की टाइमलाइन। थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन मे बी वो आगे जाके हमें क्लियर कर देंगे। लेकिन जो फैन मूवमेंट था ना, वो कहता है मेरी डायरी पे साइन कर, तो वो बोलता है आप मेरी डायरी पे साइन कर। पीछे कैसी बोल रहा था, मैंने तो ओरोबोरस का ले लिया था, विक्टर टाइमली का भी ले लूं क्या। सबसे ज्यादा अच्छा मूवमेंट मुझे लगा ये तीनों फैन मूवमेंट, जो मजा आया। उसके बाद एक सीन मुझे थोड़ा समझ नहीं लगा कि सेल्वी, उसके बाद फौरन ना एक सीन आता है जो मुझे थोड़ा समझ नहीं लगा डिकोड करने में, कि वो कट हो रहा था कि क्या था, वो टेक्निकल मिस्टेक था या वो टाइम जंप था, कुछ तो था हुआ कि विक्टर टाइमली और वो सब लोग ना मिलके बना रहे होते हैं वो मशीन जो टाइम लूप को सही करेगी। तो मोर्बिस बोलते हैं आओ हम लोग ना पाए खाने चलते हैं। तो वो पाए खाने जा रहा होता है, तो वो निकलते हैं वहां से। लोकी आगे जाके लिफ्ट खोल देता है और सेल्वी बोलना शुरू हो जाती है, उसके जज्बात जगाने लग जाती है कि उसकी आंखें खुल जाए मोर्बिस की। तो पीछे एकदम से ना लोकी कट होके आगे आ जाता है बहुत ज्यादा, और फिर लोकी थोड़ा दूर जाए खड़ा होता है, वो दोनों बात कर रहे हैं, लोकी दूर खड़ा है। थोड़ा सीन मुझे ग्रे सीन लगा कि उसकी समझ लगी कि वो क्यों डाला गया इस तरह का सीन। मे बी आगे फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जिससे हमें पता चले कि ये लोकी इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा था उस टाइम। फिर उसके बाद वो मशीन से ही करने लग जाते हैं। कट टू B15 जो है ना, हंटर B15, वो जाती है टार्क बच्चों की खाला के पास कि तुम हमारी टीम में आ जाओ। और उधर हंटर X5 भी होता है, क्या नाम था उसका जो बाद में मिल जाता है रमोना के साथ, वो भी होता है। तो वहां पे ना वो जाकर उनको बोलती है हंटर B15 के हमारे साथ आ जाओ, तो हम आप सबको ना सही कर देंगे जो भी है, वो कह के जाती है। फिर उधर से फौरन कट टू आ जाती है रमोना और मिस मिनट। मुझे उधर समझ नहीं लगी, मैंने कहा यार फिर फायदा क्या सेल्वी का उनको टाइम के बिल्कुल एंड में फेंकने का, अगर वो वापस आ ही सकते थे तो फिर तो फायदा नहीं था, इससे अच्छा तुम उसका कोई इलाज करती। ये सारी गलती या तो फिर आ जाती है सेल्वी के ऊपर, या जो प्लॉट आर्मर है ना कि बिला वजह ये कैसे उधर फ्री हो गई टाइम के एंड से, वो मुझे बहुत ही बुलशिट लगा। उधर से सारी स्टोरी खराब हुई है। मैं एकदम से सोचने पड़ गया यार, इसने सेल्वी ने रमोना को फेंक दिया था टाइम के एंड में, ठीक है ना, जहां पे हू ही रिमेन्स की बॉडी पड़ी है, और वहां पे ये वहां से इतने इजीली भाग के आ गई, तो वो तो बुलशिट हो गया। फिर खैर वो आके पूरी वो जितने भी लोग जेल में होते हैं सबको मार देती है। और वो मूवमेंट था जब मैंने बोला नाउ देयर इज नो रिडेम्पशन फॉर रमोना, रमोना यू आर गॉन। रमोना ने वो बहुत गलत किया है, और उससे बचने के लिए हंटर जो बी हंटर X5 होता है मेरे ख्याल से, वो उनके साथ मिल जाता है। वो मिलके अपना काम शाम शुरू कर देते हैं, और वो जाके वो बेचारे वो एक और हंटर को मार देता है, जाके हंटर वो अच्छे हंटर को मार देते हैं। फिर उसे उठा के विक्टर टाइमली को ले जाते हैं। विक्टर टाइमली कॉफी मशीन सारा प्लॉट होता है, वो मजे का लग रहा था। और विक्टर टाइमली AKA हु ही रिमेन्स, AKA कैन द कॉन्करर, AKA जोनाथन मेजर, ओहो क्या मजा दिया है भाई इस बंदे ने, क्या एक्टिंग थी बंदे की, ऐसे लग रहा था फिनाले एपिसोड चल रहा है, बहुत मजा आया। उसके बाद वो सारा प्लॉट होता है कि वो मिस मिनट और वो रमोना उसको पकड़ के ले जाते हैं, फिर लोकी उसको वहां बचाने जा रहा होता है, लोकी को वो ब्रूनिंग स्टिक मिल जाती है। उसके बाद से वही दोबारा सारा सीन क्रिएट होता है पहले एपिसोड वाला, जिसमें वो टाइम स्लिपिंग कर रहा था पहले वाला लोकी, तो उसको लोकी आके ब्रून करता है। बेसिकली ये सारा ओरोबोरस एपिसोड था। ओरोबोरस जो कि आप सब लोगों को पता ही होगा, हर किसी ने अपनी वीडियोस में बोला ही हुआ है, ओरोबोरस जो एक सांप है जो अपनी दुम खाता रहता है और वहीं से शुरू होता रहता है। तो इस एपिसोड का नाम ओरोबोरस होना चाहिए था, जिसका रेफरेंस ही ओबी का नाम है। खैर हमें ये भी देखने को मिल गया कि वो फोन कौन कर रहा था, और फोन ओरोबोरस ही कर रहा था वो सारा, यानी कि कंक्लूड हो रही थी ऑलमोस्ट हर चीज कंक्लूड की गई है, बस वो पाए की स्टोरी क्या है उसके अलावा हर चीज कंक्लूड कर दी गई है इस एपिसोड में। फिर उधर से वो लोग उसको रमोना को और मिस मिनट सारा टेक ओवर कर लेती है, तो फिर उसको रीबूट करते हैं, जिससे मैजिकल पावर का भी जो डैम्पनर लगा होता है ना वो भी
हट जाता है तो हमारे दोनों लोकी अभी फुल पावर से जादू कर सकते हैं टीवीए में। उसके बाद रमोना को भी ब्रूम कर देते हैं, जो बिल्कुल बेस्ट वे रमोना का यही होना चाहिए था। टाइम लूप को सही करने जाते हैं। अच्छा, टाइम लूप से सही करने से ज्यादा है वो जो मशीन विक्टर टाइमली दिखाता है ना, उसी के बेस के ऊपर जो थी वो मशीन बनी हुई थी कैंग द कॉन्करर की इन एंटमैन एंड द क्वांटम मेनिया पे, उसी टाइप का कुछ था जो पुर्जा उर्जा मिस हो गया था उससे, तो उससे रिलेटेड ही ये सारा था। तो मजा आ रहा था देखने में। लोकी बोलता है कि मैं जाता हूँ जाके सही करने, तो विक्टर टाइमली बोलता है नहीं मैं जाऊंगा, हीरो बनने का टाइम आ गया है। तो बेचारा यार क्या किया, इतना अच्छा हीरो करेक्टर एक बन गया था, एक अच्छा कैंग का वेरियंट जो था उसको आपने ऐसे मार दिया है, लेकिन मजा दिया उस बंदे ने। दो एपिसोड के लिए आया है लेकिन फुल वो ना चस्कर आ गया। अच्छा, एंडिंग में जब जोनाथन मेजर का करेक्टर हो जाता है तो सब करेक्टर एक दूसरे का, सबसे पहले तो कैसी का फेस आता है, उसके बाद सब लोगों के एक्सप्रेशन हो रहे थे, और लोकी कुछ बोलता है, मतलब क्या बोला था लोकी ने, कुछ तो बोलता है कि मुझे लगा था मुझे कुछ कुछ बुला रहा है, कुछ इस टाइप की वाइब आती है कि लोकी कुछ कनेक्ट कर पा रहा है, कुछ फील कर पा रहा है। मे भी हो सकता है कि इस सीजन के बिल्कुल एंड में लोकी जो सीक्रेट टाइम लाइन है उसमें वापिस आ जाए किसी तरीके से, और थोर 5 में जो आप सबको पता ही है कि लोकी और थोर 5 के मिलने का एक पूरा सिनेरियो बन रहा है, उसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाई हुई चैनल पे, आपको देखने को मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि अब आगे किसी एपिसोड में हमें जोनाथन मेजर देखने को मिलेंगे, दो ही तो एपिसोड रह गए हैं, मुझे नहीं लगता जोनाथन मेजर हमें उसी भी एपिसोड में देखने को मिलेंगे। अवेंजर डायनेस्टी ऑफ कैंग ही एक लास्ट कंफर्मेशन है कि जिसमें हमें जोनाथन मेजर देखने को मिलेंगे, अगर उनके जो केस के सारे मामला थे वो सही हो जाए तो। खैर वो तो एक लहदा सिनेरियो है, एंड में वो मर जाते हैं, ऊपर लिखा भी होता है फॉर ऑल टाइम ऑलवेज, और उधर ही फिर पता नहीं धमाका वगैरह होता है और ऐसा लगता है सीजन खत्म हो गया है। बहुत ही हाई पेस एपिसोड था, मजा दिया एपिसोड ने। अब मुझे एक चीज बताओ कि कैसे हर बार वो चलते चलते खुद ही गलती से वो पाए वाले रूम में क्यों पहुंच जाते हैं। अब इसमें ना दो चीजें मुझे फील हो रही, या तो सेट ही वो बना हुआ था तो उन्होंने कहा यार इस सेट पे बन गया अब क्या करें, ऐसे दिखाते हैं कि कोई गलत टर्न ले लिया तो इधर पहुंच गया, क्योंकि ना बहुत छोटा सा कंटेन सा एक टाइम वेरिएंट अथॉरिटी का जो ऑफिस दिखाया जा रहा है कि वो खुद ही चल के उधर ही वो तीन चार जगहों में घूम ही जा रहे हैं। वो मे भी हो सकता है वो इसलिए दिखा रहे हो उन्होंने सेट ही ये बनाए हुए हैं तो कवर कर रहे हैं, या फिर इसके एक लंबा प्लॉट हो सकता है कि मे बी उन पाइज में कुछ ऐसा है, एक तो आपको पाई की तरफ अट्रैक्ट करता है कि आप उसे खाएं, देन उसके बाद जब आप उसको खाते हैं तो आपका आपकी ओरिजिनल टाइमलाइन में जाने का कोई दिल नहीं करता, क्योंकि मॉर्बियस बहुत खाता है वो, और मॉर्बियस को अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन की फीलिंग नहीं आती। तो मे बी हो सकता है लोकी भी खाने लगे, एक बार खाई तो लोकी भी अपना मतलब खुद ही जा रहा था वो खाने, लेकिन सेल्वी ने अभी तक वो पाई नहीं खाई है, तो हो सकता है कि वो एंड में सेल्वी ही इनको बचाए उस पाई को खाने से, और उस पाई की वजह से कुछ हो रहा हो। ये मेरी एक अजम्पशन है, थ्योरी है, ये भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इट वॉज अ रियली 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 हार्ड एपिसोड, बहुत अमेजिंग एपिसोड था, मजा आ गया है। मेरी लोकी की रैंकिंग में सबसे पीक नॉच पे जो एपिसोड है ना वो ये वाला है, और इसमें बहुत हद तक जोनाथन मेजर का भी हाथ है, टॉम हिडलस्टन का भी हाथ है, और बाकी पूरी कास्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और मजा आया यार ये एपिसोड देख के, लव इट, वसूल हो गया सुबह 6 बजे उठ के ये एपिसोड देखना। तो गाइज ये था मेरा रिव्यू ऑन एपिसोड 4 ऑफ लोकी सीजन 2। अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।